कुमकुम भाग्य के आज के एपिसोड में निखिल छुप के मेरा हाउस में आ जाता है और तनु से मिलने। वो बहुत टेंस और डरा होता है और कहता है कि पुलिस उसे पकड़ लेगी, और वो बताता है कि मुझे पान वाले ने पहचान लिया और अब तो पूरब भी डिस्चार्ज हो गया। वो कहता है मैं और तुम कभी पकड़े जा सकते हैं, इतने में अभी पूरब को घर लेकर आता है। आली और सब घर वाले बहुत खुश होते हैं कि पूरब वापस आ गया। अभी कहता है कि हमें सबको मिलकर पूरब का ख्याल रखना होगा। पूरब रिकवर कर रहा है लेकिन अभी तक वो कोमा में है। तनु पूरब को व्हीलचेयर पर देखकर टेंशन में आ जाती है। अभी सोचता है कि वो पूरब को आलिया के रूम में रखेगा। ये सुनकर तनु डर जाती है और सोचती है कि निखिल उस रूम में छुपा हुआ है। ये सुनकर आलिया बहुत खुश होती है कि पूरब उसके रूम में रहेगा। तनु आलिया को बताती है कि निखिल उस रूम में छुपा हुआ है। ये सुनकर आलिया वरेड हो जाती है। इतने में अभी वो प्रज्ञा पूरब को आलिया के रूम में लेके जाते हैं। निखिल उन्हें आता देखता है और वो बेड के नीचे छुप जाता है। प्रज्ञा और अभी पूरब को बेड पर लेकर आते हैं। अभी पूरब की हालत देखकर इमोशनल हो जाता है। प्रज्ञा अभी को बताती है कि वो जो आग लगी थी वो किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से नहीं लगी थी। वो आग किसी ने जानबूझकर लगाई थी डीजल से। जिस पर अभी उससे पूछा कि क्या तुम्हें किसी पर शक है। निखिल ये सारी बातें सुन रहा हूँ। अब प्रज्ञा अभी से बात डिस्कस करने वाली होती है कि इतने में वहाँ तनु आती है। तनु निखिल को बेड के नीचे छुपा हुआ देखती है। प्रज्ञा का मोबाइल नीचे गिरता है। तनु एकदम उसे मोबाइल उठाकर देती है और प्रज्ञा से कहती है कि तुम चली जाओ, मैं पूरा ख्याल रख लूँगी। जिस पर प्रज्ञा को तनु पर शक होता है, वो वहाँ से नहीं जाती। इतने में तनु जल्दी से निखिल को वहाँ से निकाल देती है। Hit like and subscribe please for daily Kumkum Bhagya news and updates.